आप देख सकते हैं जी, ये बिल्कुल सामने बालाकोट का इलाका बेसिया है। और अभी आप देख सकते हैं जी, मैं चाय के बगात में मौजूद हूँ। तो इंशाल्लाह पूरी वीडियो आपने देखनी है, वीडियो को मिस नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं इस वक्त शंखेड़ी में मौजूद हूँ। यू आर वाचिंग मेडिकेशन। मेरा नाम साइद सईद है और मैं इस वक्त शंखेड़ी में मौजूद हूँ, जो कि मानसेरा की एक तहसील है और पाकिस्तान के उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे सिर्फ पत्ती की काश्त, वाहिद पत्ती की काश्त होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। और चलते हैं वीडियो की जानिब और आपको दिखाते हैं पत्ती का प्रोसेस, पत्ती के पौधे, पत्ती की काश्तकारी और ये कैसे बनती है। और चलते हैं, एक चीज़ और, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन जो पत्ती है वो यहाँ पे काश्त होती है। अभी जी बस निकल रहे हैं, माल रख रहे हैं अंकल, और अभी आगे निकलेंगे शांगला डाब की तरफ सवार। तो बने रहे और आपको लेके निकलते हैं। बालाकोट से जी हम निकल पड़े हैं शिंक्यारी के लिए। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम कुनहार रिवर के साथ साथ मानसेरा की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जी, अभी हम बालाकोट से मानसेरा जा रहे हैं और बालाकोट की जो पहाड़ियाँ हैं, जो चढ़ाई है वहाँ पे जब जाएँ तो रास्ते में आपको एक व्यू पॉइंट आता है जहाँ से बालाकोट का इलाका बीसिया नज़र आता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बीसिया का इलाका है और बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। अगर आप कभी यहाँ से गुजरो तो आप भी यहाँ पर रुक सकते हैं और यहाँ पर तस्वीर वगैरह ले सकते हैं। अभी जी आप देख सकते हैं, हम न्यू बालाकोट से गुजर रहे हैं। 2005 के जलजला मुतासरीन को यहाँ पे जगह अलॉट की गई थी परवेज मुशर्रफ की जानिब से। और छाते विलेज गुजरने के बाद, न्यू बालाकोट गुजरने के बाद आप हज़ारा मोटरवे पे आ जाते हैं। हज़ारा मोटरवे पे आपने थाकोट की सफ़र की जानिब सफ़र करना है सिर्फ 5 मिनट। और 5 मिनट सफ़र करने के बाद ही आपके बिल्कुल सामने रोड के ऊपर नज़र आता है शंक्यारी विलेज का बोर्ड। तो आपने वहाँ से राइट टर्न लेना है। और राइट टर्न करने के बाद जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे, थोड़ा सा आगे जाके आपके बिल्कुल राइट साइड पे जो है पत्ती के बागात के खेत शुरू हो जाते हैं। तो आप उधर से इजाज़त लेके अंदर जा सकते हैं और जाके एंजॉय कर सकते हैं और अपनी तस्वीर वगैरह बना सकते हैं। अभी जी मैं पाकिस्तान के तकरीबन सबसे खूबसूरत इलाके और पाकिस्तान के जिस इलाके में चाय की पत्ती की काश्त होती है, मैं उस इलाके में मौजूद हूँ और पत्ती के खेतों में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे पत्ती लगी हुई है, जो चाय हम पीते हैं उसमें पत्ती डालते हैं और जिसके बगैर चाय अधूरी होती है, उसके बागात में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान में जी सिर्फ पत्ती की जो काश्त होती है वो इधर शंक्यारी में होती है। तो मैं अभी शंक्यारी में मौजूद हूँ और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, शंक्यारी पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक इलाका है, लेकिन सबसे खूबसूरत इलाका है इसकी जो मोटरवे या हज़ारा मोटरवे, वो जो इस एरिया का हिस्सा है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप अगर कभी आएँ तो शंक्यारी आके विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आने के लिए जी आप हज़ारा मोटरवे से शंक्यारी आएँ, कसरे नूल हाल आता है, ठीक है। वहाँ से आके राइट आएँ तो किसी से भी पूछ लें, बिल्कुल साथ ही है दरिया के, बिल्कुल साथ इधर दरिया है, ठीक है। तो शंक्यारी मशहूर इसलिए है कि यहाँ पे पत्ती की काश्त होती है। सिर्फ पाकिस्तान का वाहद इलाका है जहाँ पे पत्ती की काश्त वाफर मकदार में होती है और यहाँ की जो पत्ती है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप शंक्यारी मानसेरा आएँ, मानसेरे में शंक्यारी है, तो अगर आप इस इलाके की तरफ आना चाहते हैं तो शंक्यारी आएँ। शंक्यारी के बिल्कुल साथ आप यहाँ आके किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमने पत्ती के बागात में जाना है और यहाँ आके आप अपनी तस्वीर बना सकते हैं और एक आपको देखने को मिल जाता है कि पत्ती की काश्त कैसे होती है, पत्ती के जो दरख्त हैं, जो पौधे हैं, वो कैसे होते हैं। आप देख सकते हैं ये पत्ती है,
इसको पहले सिखाया जाता है, सिखा के इसको, इसके काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो वो आपको मैं एक वीडियो रेकमेंड करता हूँ इधर, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो शंक्यारी जी अपनी खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत मशहूर है, और यहाँ पर जी हज़ारा मोटरवे आपने सुना ही होगा कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत मोटरवे में से एक मोटरवे है। तो उसका जो सबसे खूबसूरत मोटरवे का हिस्सा है वो इसी इलाके का, इसी इलाके की वजह से इसको, इस मोटरवे को हज़ारा सबसे खूबसूरत मोटरवे कहा जाता है। और अगर आप यहाँ से आपका कभी गुजर हो तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली, कि कोई मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं जी पत्ती की काश्तकारी यहाँ पे हुई हुई है। आप देख सकते हैं ये लगाड़ के बाग है मेरे पीछे, जो हम खाते हैं, जिसका आजकल सीज़न है अपनी इफ्तारी में भी, और वैसे भी ये बिल्कुल लगाठों का दरख्त है, और लगाड़ इस वक्त यहाँ पे लगी हुई है। अब में से बहुत कम लोग जानते नहीं जानते होंगे इसको, लेकिन ये बहुत ही अच्छा फल है, तो लगाठों का दरख्त है अलहमदिल्ला। ये भी आज लगी देख ली है, और इसका दरख्त भी देख लिया, पहले कभी नहीं थी देखी, पहले देखी थी छोटे होते जब मैं इन्हीं इलाकों में रहता था। यहाँ तक पहुँचने के लिए जी आपको मानसेरा क्रॉस करके, आगे शाते विलेज क्रॉस करके शंक्यारी आना पड़ता है, ठीक है। वहाँ से आप राइट टर्न ले तो कसरे नूर नूर हाल शादी हाल आता है, वहाँ से आप आके किसी से भी पूछ सकते हैं हमें पत्ती के बागात में जाना है, तो आप यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े बागात हैं, काफ़ी फैले हुए हैं, लेकिन हम जो अभी हैं रिसर्च सेंटर में हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ के विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे पत्ती के बागात तो हैं ही, ये शंक्यारी जो है सबसे खूबसूरत इलाका भी है पाकिस्तान का, मोस्ट ब्यूटीफुल पाकिस्तान का ये इलाका है। आप अगर मोटरवे, हज़ारा मोटरवे को भी इसीलिए ये सबसे खूबसूरत मोटरवे कहा जाता है, क्योंकि इसका जो पैच है हज़ारा मोटरवे का, वो जो शंक्यारी वाली साइड पे है वो ही सबसे खूबसूरत है। तो आप जब भी यहाँ आते हैं तो इस मोटरवे पे भी सफ़र करें, और इस शंकैरी को भी विज़िट करें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और अभी हम जो सफ़र कर रहे हैं अपना, आपको पता है कि VI शांगला टॉप स्वा जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये सबसे खूबसूरत इलाका है, और आपको भी विज़िट करवाएंगे और ख़ुद भी करेंगे। तो आप पत्ती का बघा देखें, और हम आगे निकलते हैं। पाकिस्तान में जी चाय की जो सबसे बेहतरीन पत्ती है वो यहाँ पे काश्त की जाती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये जो पत्ते होते हैं इनके काफ़ी बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इनको पहले इसके साथ उतारा जाता है, ठीक है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसकी रगड़ाई की जाती है। रगड़ाई करने के बाद काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप मुकम्मल प्रोसेस देख सकते हैं तो मैं आपको मुदस्सर सदीक की वीडियो रेकमेंड करूँगा, जो कि उन्होंने रिसेंटली श्रीलंका में बनाई है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, इधर आ रहा होगा। तो उससे पहले आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, क्योंकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है, जहाँ भी मैं होता हूँ सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आती है। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तितली बैठी हुई है। अभी मैं मौजूद हूँ जी पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत इलाके शिंक्यारी में, जो कि मानसेरा की एक तहसील है, और उसके बाद जी पाकिस्तान का वाहद इलाका है जहाँ पे पत्ती की काश्त होती है। आप देख सकते हैं चाय की पत्ती जो हम चाय पीते हैं, और सबसे बेहतरीन जो पत्ती की काश्त होती है वो इस इलाके में होती है। और आज इंशाल्लाह हम सुबह जा रहे हैं VI शांगला टॉप बेशाम की तरफ से, और हज़ारा मोटरवे आपको पता है कि सबसे खूबसूरत मोटरवे है पाकिस्तान की, और उसका जो सबसे खूबसूरत पैच है वो भी इसी एरिया में आता है। तो इसलिए मैंने आज का जो रास्ता है अपना यह चूज़ किया कि मैं इस तरफ से स्वाद जाऊंगा, ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह स्वाद भी 7-8 दिन रहेंगे, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। मैं मौजूद हूँ जी चाय के बागात में, एक कप चाय, आय हाय आय हाय आय हाय, क्योंकि चाय मुझे भी पसंद है, चाय आपको भी पसंद है,
ना मेरा गुजारा होता है ना आपका गुजारा होता है। सफ़र में तो हम कहते हैं भाई ड्राइवरों वाली चाय बना दो, पत्ती ठो के मीठा रो के। तो बस अभी चाय के बगार में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं। तो इधर शंक्याड़ी में है, पाकिस्तान की वाहद जो काश्त होती है चाय की, वो यहाँ पे होती है, ठीक है। और पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत इलाका भी यही माना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि हमारी जो हुकूमत है यहाँ पे सहूलियाँ नहीं देती, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करती। इस वजह से ही इस तरफ टूरिज्म है ही नहीं है, ना होने के बराबर है। ये यहाँ पे वही आता है जिसको पता है, जो जानता है, ठीक है। जैसे कि आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे सारा, तो जो मैंने सोचा वह जो आपको दिखाना है, तो आपने बस बने रहना है और निकलते हैं आगे। और आपने पहले वाली वीडियो स्टार्ट कर दें, जो चाय की पत्ती थी वो आप इधर से चेक कर सकते हैं, वो वीडियो ये है, ठीक है। और आगे निकलते हैं। और अगर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो नोमैडिकेशन को फॉलो कर लें, यहाँ पे आ रहा होगा नाम, और मेरी सारी अपडेट वहाँ पे आती है। तो अभी आगे निकलते हैं और आपको आगे बताते हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे इंशाल्लाह, तो आगे का भी आपको दिखाएंगे सारा कुछ इंशाल्लाह, क्योंकि आपके लिए ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। तो आपने बस बने रहना है, तो सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। जो भी नया आता है तो यही आपकी तरफ से मेरे लिए होता है। और वीडियो को लाइक भी लाजमी करिएगा, और कमेंट में अपनी राय का भी इजहार करें, आपको वीडियो कैसी लगी है, और मैं अपनी बेहतरी के लिए और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही है कि आप बस सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, तो बस दुआओं में याद रखा करें। और मुझे दें इजाज़त, पत्ती के जो बगात है उसकी वीडियो यहाँ तक की है, तकरीबन 3-4 मिनट की है, इससे ज़्यादा लंबी नहीं है। तो प्रोसेस इसका कंप्लीट नहीं है, बस बगात है। तो सब्सक्राइब कर दें, मैं अगेन यही कहूँगा। तो चलते हैं और अपनी आगे वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने शांगला टॉप और शाम से होते हुए शांगला टॉप और सुबह जाना है। अल्लाह हाफिज़।